वेलकम बैक टू दी एजो डेटा चैनल। पिछली वीडियो में हम लोगों ने आपको बार चार्ट तक पढ़ा दिया था, जो बार चार्ट में कैसे आप लोग डेटा सेट के थ्रू अपना बार चार्ट प्लॉट कर सकते हैं वो मैंने बता दिया था। सॉरी, अब जो एक मिनट, अब जो हमारी अगला चार्ट है वो हमारा लाइन प्लॉट है। कैसे आप लोग लाइन चार्ट को प्लॉट करोगे इस जुपिटर नोटबुक में, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले जैसे हम लोग लेते हैं df डॉट प्लॉट डॉट लाइन। अब अगर इसमें आप शिफ्ट और टैब दबाकर देखोगे तो इसमें दो पैरामीटर आप लोगों को डिफाइन करने होंगे, x और y। इससे पहले मैं पैरामीटर डिफाइन करूँ, मैं आप लोगों को डेटा एक बार दिखा देता हूँ। डेटा मैंने थोड़ा सा एडिट किया है, ठीक है। इसमें मैंने इंडेक्स ऐड करी है, ठीक है, बाकी कॉलम तो सेम ही है, बस इंडेक्स ऐड करी है ना। और ये जो ऊपर वाला कोड है इसको थोड़ा सा एडिट किया है मैंने, ठीक है। ये df डॉट इंडेक्स डॉट नेम के थ्रू इंडेक्स का जो कॉलम है वो ऐड किया है। ये प्रोसेस भी मैं आप लोगों को पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। तो इसके थ्रू मैंने एक इंडेक्स का कॉलम ऐड किया है जिसमें मैंने इंडेक्स भरी है काउंटिंग के नाम से, 0, 1, 2, 3, 4 के नाम से, ठीक है। नंबर्स हैं उसमें भी। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू देते हैं। एक्स में ले लेते हैं इंडेक्स और वाई में लेंगे हम कोई भी कॉलम ले लो, जैसे मैं ले लेता हूँ कॉलम वन ही ले लेता हूँ। कॉलम एक सेकेंड, एक्स क्लियर, कॉलम कॉलम वन, अरे यार एक सेकेंड, इसमें स्पेस है, स्पेस दे देना। हाँ, तो अब देखो जो आपका चार्ट है वो आपको कुछ इस फॉर्म में दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ इस फॉर्म में आप लोगों को चार्ट देखने को मिल जाएगा, जो लाइन प्लॉट है, ठीक है। अभी मैंने अपनी इंडेक्स को 1, 2, 3 रखा है। आपको अगर डेटा डेट के अकॉर्डिंग मिलता है तो आप लोग जो डेट है उसको इंडेक्स बनाकर उसके रिस्पेक्ट में जो चार्ट है उसको प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने इंडेक्स जो है मेरी ये वाली इंडेक्स जो है 1, 2, 3, 4 ही रखी है, इस वजह से जो चार्ट है वो इस फॉर्म में आया है। आप लोग डेट, अगर आपके डेटा में डेट हो या फिर कुछ और इंडेक्स हो उसके रेस्पेक्ट में जो चार्ट है वो बना सकते हैं। अब जैसे कि इसमें अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे चले हैं, तो इसमें जैसे मैं अगर इसका साइज़ चेंज करना चाहूँ, तो आप लोगों को अगर ध्यान हो तो मैंने फिग साइज़ भी बताया था। फिग साइज़ तो इसमें क्या करते हैं, 12 और 6, अरे सॉरी, इसमें कॉमा, फिग साइज और आपका कॉमा, ठीक है। फिग साइज इक्वल टू, हाँ सॉरी, इक्वल टू लगा लेना, इक्वल नहीं लगाया था मैंने, ठीक है। तो अगर आप लोगों को साइज़ भी मेंटेन करना है तो इस तरीके से आप लोगों को साइज़ को मेंटेन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके अलावा बाकी भी जो पैरामीटर्स मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, जैसे कि मार्कर हो गया, या फिर SN जो सी बॉन्ड के जो दूसरे पैरामीटर्स हैं वो भी आप लोग इसमें लगा सकते हैं। आप लोग ट्राई करके देखें, जैसे लाइन विड्थ में आप लोगों को एक पैरामीटर बता देता हूँ, जैसे कि दिखा देता हूँ, जैसे LW इक्वल टू 2, तो लाइन विड्थ मैंने 2 कर दिया, तो देखो थोड़ी सी जो विड्थ है लाइन की वो थोड़ी सी बढ़ गई है। इस तरीके से आप लोग दूसरे पैरामीटर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम लोग आगे चलें, जैसे मेरे को अगर स्कैटर प्लॉट करना है तो df डॉट प्लॉट डॉट scattr स्कैटर, और इसमें हम लोग अगर आप लोगों को ध्यान हो तो x, अगर आप लोगों को ध्यान ना आए तो शिफ्ट और टैब दबा देना, तो इसमें पैरामीटर आपको देखने को मिल जाएंगे x, y, है ना, s और c। अभी इनका ही मतलब बताऊंगा मैं, अभी पहले x, y की वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ। x इक्वल्स टू कॉलम 1 और आपका y इक्वल्स टू कॉलम 2। तो स्कैटर प्लॉट जो आप लोगों का है वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। अब इसमें अगर मैं चाहता हूँ कि जो, एक सेकेंड, डेटा पे चलते हैं पहले। अब मैंने अपना जो स्कैटर प्लॉट बनाया है वो कॉलम 1 और कॉलम 2 के लिए बनाया है। अब मैं चाहता हूँ कि जो कॉलम 3 है उसका जो रिलेशन है कॉलम 1 और कॉलम 2 से वो भी इस चार्ट में शो हो जाए।
तो उसको हम शो करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक सेकंड, मैं लेता हूँ सी। सी मीन्स, इसमें सी मीन्स कलर, ठीक है। अभी देखना इसमें क्या होगा, कलर COLUMN कॉलम 3। अब देखो जो आपका तीसरा पैरामीटर है वो है आपका कलरिंग, ठीक है। अब और ये आपका कॉलम 3 है, जहाँ पर डार्क रंग है वहाँ पर जो डेटा पॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। उसमें वैल्यू जो है और डेटा उसमें उस कॉलम में जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर डार्कर कलर आपको देखने को मिल जाएगा। और वैल्यू जितनी कम होगी उतना जो कलर होगा वो आपका लाइट होता चला जाएगा। तो इसलिए देखो जो पॉइंट प्लॉट होंगे वो तो आपके कॉलम 1 और कॉलम 2 के थ्रू होंगे, लेकिन जो इसकी कलरिंग होगी इस पूरे स्कैटर प्लॉट में जितनी भी कलरिंग होगी वो आपके डेटा वो कॉलम 3 के अकॉर्डिंग होगी। और इसका जो कलर होगा, अगर कॉलम 3 में वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो कलर आपका बहुत डार्कर होगा, और अगर कॉलम 3 में वैल्यू कम है तो जो कलरिंग होगी वो थोड़ी सी डल होगी। तो इस तरीके से आप लोग कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 तीनों में एक रिलेशन रिलेशन बिठा कर ये स्कैटर प्लॉट बना सकते हैं। अब अगर हम लोग एक चीज़ मैं और इसमें बता, इसमें वो आप लोगों ने सी मैप यूज़ करा था ना, सी मैप भी यूज़ करके दिखा देता हूँ। सी मैप इक्वल्स टू, मेरे को कूल वॉर्म याद आ रहा है अभी, तो वो यूज़ कर देता हूँ, कूल वॉर्म। हाँ देखो सी में वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसका पॉइंट का कलर उतना ही डार्कर होगा, ठीक है। यहाँ पर आप इसने डिफाइन कर रखा है देखो, ठीक है। तो डार्कर पॉइंट में वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना कलर डार्कर होगा, और जितनी कम होगी जैसे माइनस में वैल्यू है तो वहाँ पर कलरिंग ब्लू हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से कलरिंग भी आप अपने स्कैटर प्लॉट में डिफाइन कर सकते हैं कॉलम 1 और कॉलम 2 के रिलेशन में एक और कॉलम लाकर, ठीक है। अब इसमें एक और चार्ट अगर हम लोग चाहें, चार्ट चलो चार्ट तो छोड़ो, मैं इसमें ना एक मिनट साइज़ बढ़ा के दिखा देता हूँ पहले आप लोगों को, कैसे आप लोग इसमें साइज़ भी बढ़ा सकते हो। जैसे मेरे में यहाँ पर साइज़ नहीं दिख रहा, तो S इज़ इक्वल टू डी एफ कॉलम 3, इसको हटा देता हूँ, डी एफ अब कॉलम 3 मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। अब देखो आप लोग कॉलम 3 का जो चार्ट होगा वो कैसे बनेगा, कॉलम 3 एक सेकेंड। अब देखो जो डॉट्स हैं वो बहुत छोटे दिखाई दे रहे हैं, इसमें आप लोग क्या करना, मल्टीप्लाई कर दो स्टार 100। अब देखो सी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसका साइज़ उस डॉट का साइज़ उतना ही ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर सी की वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं इसलिए इसका जो साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोग साइज़ भी मेंटेन कर सकते हैं, मतलब अगर रिलेशन फाइंड कर रहे हैं और उसमें डेटा पॉइंट्स बहुत छोटे हैं तो इस तरीके से साइज़ भी मेंटेन कर पाएंगे, ठीक है। इसमें इतना ही है। अब इससे अगला जो आपका चार्ट है वो मैं आप लोगों को बॉक्स प्लॉट दिखा देता हूँ। वैसे बॉक्स प्लॉट, चलो बॉक्स प्लॉट ही दिखा देता हूँ, बॉक्स प्लॉट छोड़ो, बॉक्स प्लॉट में तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, तो इसमें हेक्साबिन दिखाता हूँ। सो डी एफ डॉट प्लॉट डॉट हेक्साबिन, एक सेकेंड, आपका HEX हेक्साबिन X, इसमें हम लोग लेंगे, इसमें भी आप लोगों को एक्स वाई की वैल्यू डिफाइन करनी है तो कॉलम 1, वाई की वैल्यू डिफाइन करनी है तो कॉलम 2। तो इस तरीके से आप लोग हेक्साबिन, इस तरीके से आप लोग अपना जो हेक्साबिन है वो यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। तो जहाँ पर डेटा पॉइंट ज़्यादा होंगे वहाँ पर जो कलरिंग होगी वो बहुत ही डार्क होगी, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने शो किया है, ठीक है, हेक्साबिन में। इसमें भी अब जैसे इसमें भी अगर हम लोग साइज़ साइज़ मतलब कि मेंटेन करना चाहें तो साइज़ भी आप लोग इसमें मेंटेन कर सकते हो, जैसे कि ग्रिड साइज़ इक्वल्स टू 20। देखो इस तरीके से आप लोग इसको प्लॉट कर सकते हो,
तो इस पॉइंट में डेटा पॉइंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर डार्कर है, यहाँ पर थोड़ा सा डार्कर है, यहाँ पर भी डार्कर है। तो पॉइंट डेटा पॉइंट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से पॉइंट्स यहाँ पर डार्कर हो गए हैं। अब इसमें अगर आप लोग कूल वार्म वाला जो सीन है वो भी चाहो तो एक बार सी मैप भी यूज़ कर लेना। चलो मैं कर ही देता हूँ, इसमें कॉपी कर देता हूँ ना, सी मैप आपका कूल वार्म भी इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग चाहो तो एक बार के डी ई प्लॉट करके दिखा देता हूँ मैं। वैसे तो के डी ई बहुत ही ईजी है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन फिर भी डी एफ डॉट प्लॉट डॉट के डी ई, और हाँ तो तीनों के लिए आप लोगों को के डी ई इस तरीके से मैंने डिफ़ाइन कर दिया है। ठीक है, के डी ई प्लॉट हो जाएगा, मतलब डेंसिटी जो प्लॉट है आपकी वो इसमें चार्ट में प्लॉट हो जाएगी। के डी ई की जगह आप डेंसिटी भी यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, तब भी आपका जो चार्ट है वो कुछ इसी प्रकार से, इसी तरीके से प्लॉट होगा। जैसे कि डी ई एन डेंसिटी, तो चार्ट सेम प्लॉट होगा। तो इस तरीके से आप लोग अपने डेटा सेट पे चार्ट्स को प्लॉट कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर करके दिखाए हैं। उसके बाद आप लोग इसमें इस तरीके से पैरामीटर्स का यूज़ भी कर सकते हो, कलरिंग वगैरह चेंज कर सकते हो, साइज़ का चेंज कर सकते हो, फिगर साइज़ चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपने किसी भी डेटा सेट पर विजुलाइजेशन कर सकते हैं। ये एक स्टार्टिंग स्टेप है, इसका मतलब ये नहीं कि इस जो मैंने बताया है इसी के थ्रू डेटा विजुलाइजेशन होगी, इसके आगे भी है, भी बहुत कुछ है जो आपको डेटा विजुलाइजेशन में हेल्प करेगा। ये एक बेसिक था, मैंने सोचा कि सी बॉन्ड का एक प्रोजेक्ट भी हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे डेटा सेट के साथ सी बॉन्ड के जो प्लॉट्स हैं वो कैसे यूज़ करने हैं। तो इसलिए मैंने ये जो प्रोजेक्ट है वो दो पार्ट में बनाया। पहला पार्ट मैंने पिछली वीडियो में बताया है, ये वाला पार्ट इसका सेकेंड पार्ट है पिछली वीडियो का। तो यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है ये कम्प्लीट होता है। इसके आगे हम लोग अपने अगले कॉन्सेप्ट पर चलेंगे अगली वीडियो में।